घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभावल्ड का यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, छोटा सा ये समझ लीजिए एक डिस्कशन टॉपिक है ये। इसमें कुछ म्यूज़िक का कोई ऐसा कंटेंट नहीं जो मैं आपको सिखाऊंगा, कोई अलंकार नहीं, कोई राग नहीं, बट एक चीज़ है जो मुझे बड़ी परेशान करती है। संगीत सीखने वालों के जहन से मुझे ये परेशानी है कि वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं सीखते समय, इससे मुझे थोड़ी दिक्कत है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, अगर आप देखें YouTube से जो सीखना चाहते हैं, पहली बात तो यह है किसी के पास उतना वक्त नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो वक्त दें इस विषय को, संगीत को, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं। और कुछ हैं जो हॉबी के थ्रू इसको सीखना चाहते हैं, मतलब सिर्फ हॉबी के हिसाब से उनको सीखना है, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें, बस 2-5 गाने आ जाएँ, तो बस यही उनका मोटिव होता है कि गाने उनको आ जाएँ। तो उसके लिए वो भले ही उनको लगता है कि शास्त्रीय संगीत बेस होता है, भाई वो तो सीखना होता है ना, पर बेस कितना सीखोगे आप? उनके हिसाब से थोड़ा बेस सीखना यानी 4-5 अलंकार हो गए, अब तो धुन निकालना आ जाना चाहिए ना। मेरे पास कई ऐसे कॉल्स आते हैं, कई ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भाई हमने 7 अलंकार आपके 10 अलंकार कर लिए, लेकिन अब तक हमको धुन निकालना नहीं आया। तो ये मैं बता के थक चुका हूँ कि पहली बात तो धुन निकालना मोटिव नहीं होता है संगीत सीखने का, कि आपको कोई धुन निकालना आ गई मतलब आपको संगीत आ गया। पहली बात तो संगीत उतना नहीं है, इतना लिमिटेड नहीं है। और दूसरी चीज़, महज 10 अलंकार के बाद धुन निकालना नहीं आ जाता है। और ये भी है कि धुन निकालने के लिए वो 10 अलंकार आना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि धुन निकालना इस सेंस, स्वरों का सेंस है आपको, तो वो पकड़ आ जाती है वहाँ के गाने के, आपको स्वर दिमाग में है, बस आपने हारमोनियम पर या कीबोर्ड पर या कोई भी ऐसे स्वर वाले इंस्ट्रूमेंट पर वो आपने उन स्वरों को छेड़ा, तो हो सकता है वो धुन आपसे रैंडमली निकल जाए। अननोइंगली राइट होने में कोई खुशी नहीं होनी चाहिए आपको, आपको लगता है कि मैं सही बजा रहा हूँ, बट आपको पता नहीं आप बजा क्या रहे हो, तो फिर कैसे आप उस चीज़ पर गर्व कर सकते हो या कैसे कह सकते हो हाँ ये मेरी है, मैंने देखो गाना निकाल लिया। आपको नहीं पता उस गाने में सुर क्या लगे, आपको नहीं पता उस गाने में थाट क्या था, स्केल क्या था, लेकिन आपसे गाना निकल गया, धुन निकल गई, तो आपको लगता है कि हाँ मैं तो आ गया, हो गया, बस काम इतना ही था मेरे को, तो है ना। जैसे कि हम भजनों में देखते हैं, हम मंदिरों में जाके देखते हैं, तो लोग रामायण पाठ में, सुंदरकांड पाठ में ये जो होता है, वहाँ भजन चल रहे होते हैं, तो भाई वो हारमोनियम हम सुनते हैं वहाँ पे, जो बाजा पेटी बजता है, तो हम सोचते हैं कि यार ये हारमोनियम आ जाए, ये वाला हारमोनियम आ जाए, या जो गानों में बजता है वो हारमोनियम आ जाए, या जो गज़लों में बजता है वो हारमोनियम आ जाए। ये हमारे सवाल होते हैं कि हमें गज़ल का हारमोनियम सीखना है, भजन का हारमोनियम सीखना है, या वो क्या बोलते हैं कवालियों का हारमोनियम सीखना है। आपने हारमोनियम की कैटेगरीज कर दी हैं अलग अलग, जबकि ऐसा नहीं होता है। हारमोनियम का बेसिक तो वही है, उसके बाद उसमें से उपज है आपकी, आप कुछ भी बजा सकते हैं, एक बार बजाना आ गया तो किसी भी प्रकार का बजा सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही है आपको बताने का कि धुन तक सीमित न रहें। सिर्फ धुन ही नहीं सीखनी होती है संगीत में, संगीत में ये ग्रामर आप सीखोगे उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, कोई भी गाना बना सकते हो, कोई भी गाना निकाल सकते हो। और समझ कर देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शास्त्रीय संगीत पूरा सीखो, है ना। ऐसा मैं नहीं कहता कि भाई आपको शास्त्रीय संगीत ही सीखना चाहिए, सुगम गीत नहीं सीखने चाहिए, सुगम संगीत नहीं सीखना चाहिए, गाने नहीं निकालने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कहता। मगर सिर्फ वही मकसद नहीं है हमारा सीखने का, ये ज़रूर मैं कहता हूँ, जो संगीत सीखना चाहते हैं वाकई उनके लिए, जो नहीं सीखना चाहते हैं, जिनके लिए ये विषय जस्ट एक टाइम पास है, जस्ट एक मनोरंजन का विषय है, तो वो तो फिर यहाँ तक सीमित रह सकते हैं कि वो गानों तक सीमित रहें, उनको गाने बजाना आ गया, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वो हमसे उम्मीद न रखें कि हम उन्हें गाने बजाना सिखाएंगे या फिर 7 अलंकार के बाद उन्हें गाने निकालना आ जाएगा। गाने निकालने की कोई ट्रिक नहीं होती है, जो वीडियोस आप YouTube पे देखते हैं ना, कोई भी गाना आसानी से निकालें, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि गाना निकालने के लिए ये फॉर्मूला कर लो गाना निकालना आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। और एक बहुत बड़ी विडंबना मैं अगर आपको बताऊं, तो हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर है, आयरनी है ये, कि आप अगर यूट्यूब पर सर्च करो कि जो लेसन्स होते हैं ना म्यूज़िक के लेसन्स, उसमें टॉप के वीडियोज़ कौन से हैं जिनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, तो आपको एक ही वीडियो मिलेगा, वो है नागिन धुन का, कि नागिन धुन कैसे सीखनी है, उसके 10 मिलियन व्यूज हैं। मैं बुराई नहीं करता उस इंसान की कि उसने वो वीडियो बनाया, पर मैं ये विडंबना बता रहा हूं कि आप शास्त्रीय संगीत की बात करें या संगीत की बात करें, तो लोगों को नागिन धुन सीखने में बड़ी दिलचस्पी है। मुझे नहीं पता उनको वो कहां बजानी है, पर उन्हें वो सीखनी है, उन्हें हैप्पी बर्थडे टू यू सीखना है, उन्हें मतलब फला कोई जनगण मन सीखना है, उन्हें ये सब उन्हें बजाना सीखना है। उसका होगा क्या? उसको बजा के आप मनोरंजित हो लेते हैं, आपको बजा के अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, ठीक है, वो आपकी पर्सनल चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उस विषय में हो, यार जाहिर सी बात है आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बट एंटरटेनमेंट के लिए आपको वो बजाना आता है तो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा मूड आपको लगता है कि हाँ मुझे भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट आता है, कुछ गाना मैं निकाल लेता हूं। लेकिन वो चीज़ संगीत के विद्यार्थियों के लिए तो नहीं होनी चाहिए, कम से कम जो संगीत सीखना चाहते हैं, कम से कम वो तो गीत के पीछे न भागें,
जो नहीं सीखना चाहते, जिनका ये विषय नहीं है, वो भले ही अगर वहां तक पहुंचते हैं उस चीज के लिए, तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति मुझे वहां आती है जहां संगीत के विद्यार्थी ऐसी डिमांड्स रखते हैं कि मुझे गाने बजाना आ जाए। आप संगीत के विद्यार्थी हैं, आपको शास्त्रीय संगीत पर ध्यान देना चाहिए। सुगम संगीत अलग से सीखने का नहीं होता है, शास्त्रीय संगीत सीखिए। सुगम की सिर्फ फिर सिर्फ उसकी गायकी करने के तरीके होते हैं जो आपको समझने होते हैं, वो अलग गायकी कुछ नहीं सीखनी होती है। सिर्फ पैटर्न्स हैं जो आपको समझने होते हैं कि इस लाइन को ऐसे गाया जाता है, गजल में ऐसे गाया जाता है, भजन में ऐसे गाया जाता है, वो स्टाइल्स आपको सीखनी होती है, है ना। गाने रट रट के, गाने सीख सीख के गायकी नहीं सीखी जाती है शास्त्रीय संगीत में। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को प्लीज़ आप ध्यान रखें कि ये सवाल दोबारा ना आए मेरे पास कि भाई धुन निकालना कब आ जाएगा मुझे, या अलंकार तो हो गए मेरे, अब तक धुन निकालना नहीं आया, अब तक मैं गाना नहीं निकाल पा रहा हूँ कोई। पेरेंट्स की बच्चों से यही उम्मीदें होती हैं, म्यूजिक क्लास भेजते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि तुझे इतना टाइम हो गया सीखते सीखते, कोई गाना निकाला कि नहीं निकाला अब तक, ये क्या सवाल हुआ मुझे समझ नहीं आया। उस गाने का करोगे क्या ये बताओ मुझे, उसको सुन के क्या मजा आता है। अगर वो गाना आप बना सकते हो, उस गाने के अंजर पंजर आपको पता है, तो फिर भी मैं मानता हूं कि आपने शायद संगीत सीखा है। लेकिन संगीत के विद्यार्थियों की ही बात करूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल इसको अन्यथा ना लें कि आप, मैं कह रहा हूं कि संगीत में सबको शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए, गाने किसी को नहीं बजाने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं। मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जो संगीत सीख रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूं कि गाने निकाल के उन्हें जो उपलब्धि प्राप्त होती है, वही खुशी तक वो क्यों सीमित रह जाते हैं, उसके आगे शास्त्रीय संगीत में क्यों गहराई में नहीं जाते हैं, क्यों गीत तक ही सीमित है संगीत, क्यों उसकी गहराई में नहीं जाया जाता है, क्यों शास्त्रीय संगीत के नियमों को नहीं समझा जाता है, क्यों उससे नई उपज पैदा नहीं करी जाती है। बस ये मेरा मकसद है कहने का कि शास्त्रीय संगीत सीखो, अपने आप गीत आपके पीछे चल चल के आएंगे, गीत बनने लग जाएंगे, गीत सुनोगे और निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ग्रामर सीखो, व्याकरण सीखो, संगीत की जो व्याकरण है, इतनी सारी रागें हैं, रागों में ख्याल है, ख्याल में आलाप ताने हैं, उनके तरीके हैं, अलग अलग घरानों की गायकी है, इन सबको समझना पड़ेगा आपको, चीज़ों के कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, नया कुछ देके तभी जा पाओगे इस विषय को, वरना इस विषय से सिर्फ लेते आ रहे हैं आज तक लोग। इस विषय को देना बहुत कम के हक में रहा है, बहुत कम की किस्मत में रहा है कि इस विषय को कुछ दे पाए, कुछ नई थ्योरी, कुछ नया कंसेप्ट, कुछ एक ऐसी चीज जो शायद पहले किसी ने नहीं करी। वो कब कर पाओगे, गाने रट रट के, नागिन धुन सीख के? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ेगा। तो ये मेरी सिर्फ दरखास्त है संगीत के विद्यार्थियों से कि कुछ नई अगर सोच रखनी है तो पुरानी सोच दिमाग में भरना बंद करो, नए की तरफ ही जाओ, शास्त्रीय संगीत सीखो, वहां सिर्फ नया ही है, कुछ पुराना है ही नहीं। वहां जो पुराना है वो सिर्फ बंदिशें हैं कुछ, जो घरानों की, ख्यालों की, उस्तादों की लिखी हुई हैं, बनाई हुई हैं, उनको हम गाते हैं, लेकिन उसका भी अंत यही है कि वो भी आप बनाओ, वो भी निर्माण आप ही करो, वो भी बंदिशें लिखो भी खुद, कंपोज भी खुद करो, खुद के आलाप, खुद के तान, कुछ भी रटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ मेरा कहना है कि रटना बंद करो और समझना शुरू करो, और नागिन धुन सीखना बंद करो प्लीज़, ठीक है। धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड का वीडियो, एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।